तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अनिमेश। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हम पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जो है ए बी सी डी, और इसमें हमको बोल दिया डायगोनल्स इक्वल है, मतलब ए सी इक्वल टू डी बी, तो ये इसके इक्वल है। तो हमको प्रूफ करना है ये रेक्टेंगल है। तो हम पहले ट्रायंगल्स ले लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल डी सी बी। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमको दे रखा है ए सी इक्वल टू डी बी, ये पहला हो गया, और हमको दे रहा है सी बी और सी बी दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, और हमको पता है डी सी और ए बी इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सो डी सी इक्वल टू ए पी। सो इससे हमको प्रूव हो गया कि ट्रायंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। अब इससे मैं जो ट्रायंगल ए बी सी है और ट्रायंगल डी सी बी, ये एंगल और ये एंगल इसमें सी बी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो हम पहले ये लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, और लगे हमारा सी पी सी टी। अब हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें एडजेसेंट एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है। तो हमको पता है तो हम कह रहे थे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इसका टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब हमको होता है एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, तो हम एंगल डी सी बी की जगह पे एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 180 कर दिया तो हमारा आ जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो अगर और ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो रेक्टेंगल है। इसलिए अब हमारा प्रूफ हो गया कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल।